उत्तराखंड के लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद द्वारा सोनाली नदी तटबंध के संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र भेजकर निरीक्षण करने की मांग को उठाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा संबंधित विभागों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा गठित की गई टीम ने आज लक्सर सोलानी नदी तटबंध पर पहुंचकर लक्सर विधायक के नेतृत्व में निरीक्षण किया। लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि पिछले वर्ष बरसात ज्यादा होने की वजह से सोलानी नदी का तटबंध कई जगह से टूट गया था, जिसे मोहम्मदपुर, बुजुर्ग, जैनपुर, मखियाली, खुर्द, बहादुरपुर, सेठपुर, बसेड़ा, बसेड़ी व लक्सर बाजार आदि गांव व शहर में भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया, इस वर्ष रेलवे द्वारा मोहम्मदपुर गांव के समीप सोलानी नदी के बीच में पैचिंग लगाई गई है, जिससे तटबंध के और भी ज्यादा टूटने की संभावना बन गई है और ग्रामीणों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इतनी गर्मी व तेज धूप के चलते भी सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। डीएम साहब ने इसमें एक कमेटी का गठन किया है और मौके पे कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे और सबका अपना अपना व्यू रहेगा। अभी जाके हम लोग सभी लोग तहसील में जा रहे हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के आज ही हम उस रिपोर्ट को प्रेषित करेंगे। तो कमेटी का तो ये है और इसके अलावा जो मौके पे जो डिसाइड हुआ है कि जो पैचिंग का काम है फर्स्ट बार हुआ है, इस तरह की एक धारणा लोगों ने पाली हुई थी, लेकिन मौके पे ही बहुत सारे गांव के लोग भी थे जिन्होंने ये बताया कि ये पैचिंग का काम हर साल होता है और चूंकि पानी का जब फ्लो ज़्यादा रहता है तो डायरेक्ट जो हमारे पुल बने हुए हैं, रेलवे के पुल बने हैं, उस पर पानी हिट ना करके ये पैचिंग का काम हुआ है तो उसको वो स्लो कर देता है। जो मौके पे इरिगेशन को भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि और PWD को भी कि जितना हो सकता है हम जो अभी माननीय विधायक जी बता रहे थे कि चैनलाइज करेंगे उसको, तो मैंने आज ही बता दिया है, इरिगेशन को भी बता दिया है, PWD को बता दिया है, आज ही एक एस्टिमेट, अलग अलग एस्टिमेट बना लेंगे, दो एस्टिमेट बन जाएंगे, उस पर हम कल परसों से काम शुरू करवा देंगे। इसके अलावा जो इनकी जो पुलिया वगैरह भी बंद पड़ी है, दो तीन पुलिया रेलवे की बंद पड़ी है, तो रेलवे को भी बता दिया है कि वो अपनी पुलिया खुलवा लें ताकि पानी का जो फ्लो है वो फैल जाए, एक तरह एक जगह पानी ना आके पूरा पूरा नदी में फैल जाएगा उसकी वजह से। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।